आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज बेसन की बर्फ़ी। इसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए चाहिए आपको 1.5 बड़ी कटोरी बेसन, 1/2 कटोरी सूजी, 1 कटोरी घी, देसी घी रिफाइंड भी ले सकते हैं आप, थोड़ी सी हल्दी और पिसी हुई शुगर। और ये सजाने के लिए मैंने थोड़े से बादाम काटे हैं और गोला कस के रखा है। ये कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो गई है, हाथ लगा के देखिए इसमें खूब तेज आंच आ रही है। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी देसी घी। इसको मैं सारा निकाल लूँगी। अभी इतना ही डाल देते हैं, जब बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे, ऐसे इतना ही काफ़ी होगा। घी हमारा गर्म हो चुका है, आप देखिए। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। ये पूरा 1.5 कटोरी बेसन मैंने 1/2 कटोरी डाल लिया है। और हमेशा याद रखना कि बेसन को बिल्कुल हल्की आंच पे सेकना है, नहीं तो इसमें बर्फ़ी में कड़वापन आ जाएगा। थोड़ा इसको हम मीडियम आंच पे सेकते रहेंगे। थोड़ी सी इसमें 2 पिंच हल्दी ली होगी मैंने, ये डालनी है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा जाता है। इसको मैं मीडियम आंच पे ही भून रही हूँ। जब तक ये थोड़ा सा हल्का सा इसमें खुशबू सी नहीं आ जाती तब तक भूनेंगे हम इसे। फिर इसमें हम सूजी डालेंगे, इतने हम बेसन ही भूनेंगे। अब मैं ये देखिए इतना बन गया है, ये इसने थोड़ा थोड़ा घी भी छोड़ दिया है। अब इसमें मैं सूजी डाल दूँगी। बेसन 1.5 कटोरी था, इसमें मैंने 1/2 कटोरी सूजी डाली। चला लेंगे, इससे हमारी सूजी भी थोड़ी सी बन जाएगी। ये देखिए मैंने इसको मीडियम आंच पे भून लिया है। अब इसमें थोड़ी सी चमक भी आ गई है और घी भी छोड़ दिया है। देखिए आप, बेसन में छोड़ दिया है थोड़ा सा घी। और इसी स्टेज पर अगर आपको थोड़ा सा घी और डालना है तो डाल लेना, ऐसे मैं नहीं डालूँगी, मैं इतने में ही बनाऊँगी। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। ये देखिए ये चीनी मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी, ये पिस गई है। और ये इसमें आंच पे हल्की हल्की पिघल जाएगी। अब इस चीनी को मैंने अच्छी तरह इसमें मिला लिया है और सिकाई भी होती रहेगी इसकी और चीनी भी पिघलती रहेगी। थोड़ी सी हम इसमें मैंने छोटी इलायची पीस के रखी थी, थोड़ी सी ये देखिए छोटी इलायची डाल रही हूँ पीस के, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी तो खाने में टेस्ट भी बना रहेगा। देखिए ये मेरी बर्फ़ी तैयार हो गई है बेसन की। ऊपर से मैंने इसमें सजावट भी कर दी है, जो मैंने आपको दिखाया था। कढ़ाई में मैंने थोड़ी देर भुना, उसे चीनी डालकर 5 मिनट के लिए। और चीनी जब पिघल गई, हल्का ब्राउन कलर हो गया, तो मैंने इसे थाली में जमा लिया घी लगा के। और फिर मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे करके 1 घंटा फ्रिज किया। और अभी मैंने इसकी कटिंग की और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बर्फ़ी तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।